क्यों आज इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे रीट की शिक्षण विद्या। रीट की शिक्षण विद्या आप सभी को पता है 20 नंबर की शिक्षण विद्या आती है। तो आप इस वीडियो के अंदर 100 प्लस प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कम से कम मैं 400 से 500 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये पहली क्लास है और इसकी प्लेलिस्ट बना के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आप सभी क्लासेज आराम से देख पाएंगे और 20-25 मिनट के अंदर आप 100 प्रश्न आराम से पढ़ देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसके अंदर और आपको मैं बता देता हूं ओआर जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां पे जुड़ जाइए, वहां पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपको मैं बता देता हूं ORJAT.com वेबसाइट है, वहां पे हस्तलिखित नोट्स फ्री टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहां से जाके विजिट करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। और इस क्लास के अंदर अभी टारगेट रहेगा 20 नंबर पक्का करने का, 20 नंबर पक्का करने का। तो आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ORJAT टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों में से संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है, वे परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पहला प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका, पहला प्रश्न का सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बताइए, मैं बताता हूं आपको। पहले प्रश्न का आपने कमेंट में बता दिया होगा लेकिन मैं बता देता हूं, पहले प्रश्न का सही सही आंसर जो होगा बेरेल होगा, बेरेल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाठ्य चर्चा में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये कथन किसका है। दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत स्वाय है, तो इसके अंदर तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रूढ़िवादिता। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका वी एस वलून ने संज्ञात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया था। इसके अंदर डी चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 6 खंडों में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के से संबंध पाए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकार का। देखिएगा आपको मैं बता देता हूं SST की शिक्षण विद्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपका 20 नंबर कहीं गायब नहीं होगा, 20 में से 18-19 प्रश्न आप सही करके आराम से आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्र पर्यटन। निम्न में से कौन सा चर्चा एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मस्तिष्क उत्प्लवन। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुसार संगठन है, पदानुक्रम संगठन है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञात्मक उद्देश्यों का। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, दृश्य सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सर्वदृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्ष्य नहीं है, इसके अंदर नहीं का बोला है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बार्मक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है, इसके अंदर नहीं का बोला है, ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर आपका कहता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रो यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है, इसके अंदर नहीं का बोला है, तो आपको मैं बता देता हूं। 15 नंबर प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पक्षपात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 16 नंबर, NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसके अंदर भी नहीं का पूछा है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना।
नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण केंद्र परीक्षण के छात्रों के स्वतंत्रता चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, निम्नात्मक प्रकार का प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित में से मूल्यांकन श्रेणियों में कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, योग्यात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण परीक्षण की विशेषता है। इसको 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। सामाजिक विज्ञान की प्रयोजन का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे, तो इसके अंदर आपका सही आंसर 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रीस्तुति उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर, एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने वाली काल्पनिक स्वांद की गतिविधि आयोजित करना। सामाजिक विज्ञान इतिहास के निम्न में से किस विषय के साथ ये संबंध को इंगित करता है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, भाषा। भाषा इंगित करता है। अनुभव का संकुनि किसकी देन है, तो इस 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एडगर डेल। 23 नंबर प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर आंकलन संबंधी उद्देश्यों के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु और सी ऑप्शन इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु, ये सभी में काम करता है। 24 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं का व्यवसाय के रूप से अध्ययन कर सकता है। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर, इसके अंदर चार पॉइंट दे रखा है, चारों में सही कौन से हैं। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ए बी सी डी सभी सही है, जिसके अंदर पुनर्सर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर संगोष्ठिया की में शामिल होकर व्यवसाय की संगठनों एवं निकायों का क्रियाशील सदस्य बनाकर अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर, ये सभी करेंगे तब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्ररूप है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न में ए और बी दोनों है, जिसके अंदर बहु विकल्पीय प्रश्न और बी ऑप्शन है, इसके अंदर जोड़े बनाओ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां हैं, तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, चार विधियां हैं। और 27 नंबर प्रश्न कहता है, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम सही है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इकाई योजना के उद्देश्य विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 28 नंबर, निम्न में से कौन से नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF 2005 के अध्यक्ष थे। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रो यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णता। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन सी, तीन होना चाहिए, सहसंबंध तीन प्रकार का मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक है। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 31 नंबर प्रश्न का वो बी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है लिखती, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अवबोध। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं है या नहीं करेंगे। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मंद प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावनाओं के विरुद्ध है। इसके अंदर आपका सही आंसर 34 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य चर्चा के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय
35 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 35 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़िवादी। नेक्स्ट प्रश्न, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, उत्तम परीक्षण होना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिसके अंदर है विश्वसनीय, वेद, विभेदकारी, ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम होता है। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर जॉन डीवी है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम होता है इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर दोनों में, ये सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का अधिगम होता है, 38 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सतह एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो 39 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाले बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक वे है जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, एक शिक्षक वही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 41 नंबर प्रश्न का वो होगा बी ऑप्शन, सुविधा प्रदाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य चर्चा निर्माण के सिद्धांत में सिवाय है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से संज्ञात्मक पक्ष से संबंधित है। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर बी ऑप्शन विश्लेषण करना, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर सॉरी ए बी दोनों, विश्लेषण करना और प्रत्यास्मरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 44 नंबर, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन, वार्षिक योजना। नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन, मानसिक उद्दोलन। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंध का अध्ययन है, इसका सही आंसर 43 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिसके अंदर है मानव एवं संस्था, मानव एवं पृथ्वी, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किस द्विधा ऐतिहासिक घटना और सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 47 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी विद्यार्थी केंद्रित है। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ये सभी दिया हुआ है, जिसके अंदर भूमिका निर्वहन है, सूझ मस्तिष्क विचार है, समस्या समाधान है, सहयोगीशील अधिगम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मूल्यांकन में शामिल है, जिसके अंदर आपका 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उपरोक्त सभी है, जिसमें मापन भी आता है, अमापन भी आता है, मूल्य निर्माण भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम होता है। 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों जगह विद्यालय में और बाहर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट उपकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर कीबोर्ड ऑप्शन आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजन विधि का प्रयोग, 52 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिसके अंदर है सब अध्ययन के लिए और गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, कौन सा ज्ञान होना चाहिए। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जिसके अंदर शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, सभी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न
सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, सही हो जाएगा बंद प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन विधियों में शिक्षक की भूमिका और ज्ञान सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन का सुगम बनाने वाली होती है। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयोजन विधि। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी केवल बी, हाँ प्रयोजन विधि एक ही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका प्रयोजन विधि का दर्शनात्मक आधार है। 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सामाजिक अध्ययन एक शिक्षक स्वयं को व्यवसाय के रूप से अध्ययन करता है या कर सकता है। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुण्यचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाठ योजना में पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कुछ अनुदेशन सहायक सामग्री दी है, इनकी प्रगति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड इसके अंदर दे रखा है, वो दे रखा है श्यामपट कंप्यूटर पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन। 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 59 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर ए और बी कठोर शिल्प है और सी कोमल शिल्प है। ए और बी कठोर, श्यामपट कंप्यूटर कठोर है, सी पावर पॉइंट का द्वारा प्रदर्शन करना ये कोमल शिल्प है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित नहीं सम्मिलित है। इसके अंदर नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विषय वस्तु दे रखी है नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम और चाही गई अधिकम पंक्तियां। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर बी और सी सही है। बी और सी, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिकम प्राप्तियां। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तियों में उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न कहता है सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का सहचार्य विषय जुड़ा है। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, समाजशास्त्र से। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन किया जा सके, द्योतक है। तो 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इतिहास व नागरिक शास्त्र का से संबंध का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मुदालियर आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला के संबंध में सही है। बिल्कुल 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य करने देना। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे योजनानुसार करवाना वे लेखा जोखा रखना उदाहरण है। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर प्रयोजन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है समवर्ती घटना और विवाद स्पष्ट विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते हुए स्वीकार करते हुए अत्म परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखने वाली कहलाती है। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मस्तिष्क उद्वेलन व्यूहचूर रचना। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िवादी चित्र का कहा जाता है। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न, नगर निगम की बैठक को
कक्षा में विद्यार्थियों को करवाना। 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 70 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य वस्तु का नाष्ट्रीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किस कारखाने में ले जाकर निरीक्षण अवलोकन व अनुभव करना कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन शैक्षणिक भ्रमण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है ईश्वर व जगत में एक के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा 72 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, देवी देवता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सॉरी इसके अंदर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वे मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सॉरी इनके लिए। 72 नंबर प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। 72 नंबर, ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत को प्रतिपादन करता है। 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वे सर्वाद, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता। 73 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन हो जाएगा, वंश क्रम का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन निम्न में से के मुद्दों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना संबंध सामान्यकरण और प्रयोग सौंपना। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 75 नंबर प्रश्न का वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हर्बर्ट उपागम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ योजना में विचार करना पड़ता यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है। 77 नंबर प्रश्न कहता है, पाठ्यक्रम प्राकटन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है। तो 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, दैनिक पाठ योजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 78 नंबर प्रश्न की बात करें, 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन, इनके बालक के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन होना। 79 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के संविधान की क्या विवेचना है, यह प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 79 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान परक। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर, 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। 81 नंबर प्रश्न कहता है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक संपूर्ण है। 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा 81 नंबर प्रश्न का वो होगा डी ऑप्शन, श्रेय दृश्य सामग्री। 82 नंबर प्रश्न कहता है, अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया। 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डीवी। 83 नंबर प्रश्न कहता है, अध्यापक के व्यवसाय को उन्नयन के लिए उपयोगी है। 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, निपोरचारिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन भाषा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है क्योंकि इससे 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर सही हो जाएगा, अध्यापक का व्यवसाय के उन्नयन होना। नेक्स्ट प्रश्न, 85 नंबर, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। सही आंसर इसका 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 2005 सही आंसर होगा, 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका 86 नंबर, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनाती है। 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 86 का ए ऑप्शन, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली सर। 87 नंबर प्रश्न है, निष्पदी परीक्षण कराने के लिए
सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन, उद्देश्य भार। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिगम क्यों किया जाता है? 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन, 88 नंबर, भूमिका निर्वाहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के लिए वर्ग में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 89 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सामाजिक सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न, किस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी उतनी ही, ठीक है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 90 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिक। 91 नंबर प्रश्न कहता है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है। 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 92 नंबर, स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। 92 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो 92 नंबर प्रश्न कहता है इसका सही आंसर जो होगा आपका 92 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 93 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, बालक का सामाजिकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत वर्तमान तथा बरबते उभरते विषय में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर, 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, जॉन यू माइकलेलिस। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का वास्तव प्रयास दिया गया है? 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, ईजे संपीक्षण द्वारा दिए गए शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका सही आंसर मनोक्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 97 नंबर, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई हो? 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर 97 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के स्मृति एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल 97 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रत्यक्ष को विवेचनात्मक करने के लिए योग्यता को विचारणीय संज्ञात्मक पक्ष में कौन घटक के अंतर्गत आता है? 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो 98 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही रहेगा, अवबोध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी योजना कक्ष में व्यवहार रूप से निस्थापित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो होगा आपका 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर 99 का सी ऑप्शन हो जाएगा, दैनिक पाठ योजना। नेक्स्ट, एक शिक्षण व्यू रचना जिनके ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यालयों को किस विषय के ज्ञान को अवस्थित एवं निरुचित निरूपित करने में सहायक देने के लिए किया जाता है वे कहलाती है?
सौ नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, संकल्पता संकल्पना मानचित्रण। नेक्स्ट प्रश्न 101 नंबर प्रश्न, किलपैट्रिक ने प्रायोजन पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजन बतलाई थी। 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, चार प्रकार। ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष में संबंधित नहीं है। 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन, प्रचरण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग प्रचलित करने के लिए करने का श्रेय किसे दिया जाता है। 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, AF और ओसबोर्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है औपचारिक और अनौपचारिक समूह योजना किस श्रेणी किस शिक्षण विधि के रूप में है। 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर 105 नंबर का डी ऑप्शन सही है, जिसके अंदर प्रयोजन दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें व्यक्तिनिष्ठता। नेक्स्ट प्रश्न, आज के लास्ट प्रश्न, मानचित्र का कौन सा प्रकार संस्कृत मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है। 107 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, भूगर्भिक मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हर्बर्ट के पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, तैयारी प्रस्तुत से कार्य साम्यीकरण अनुप्रयोग। यह आपने 108 प्रश्न आज पढ़े हैं इस क्लास के अंदर। 108 प्रश्न आपको कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हैं, इसी टाइप से टोटल 300 से लेके 400 प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 20 नंबर का टारगेट जो होगा पक्का होगा, क्योंकि 400 से 500 प्रश्न बहुत होते हैं, 500 में से 20 आना संभाविक बात है, आएगा परीक्षा के अंदर और आप पेपर तोड़ फोड़ के साथ आएंगे कि शिक्षण विधियों के प्रश्न एक भी गलत नहीं हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ उसके ऊपर क्लिक करके इसी पार्ट का दूसरा पार्ट देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। साथियों के साथ बताइए। जय हिंद, जय भारत। और ORJAT नाम से वेबसाइट और टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सब कुछ मिलता ही है। आप सभी को बताएं, एक बार विजिट करके देखेंगे, अच्छा लगेगा।